Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your Footprints Without Feet book. This is chapter 6. The name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So, who is the scientist here in this chapter, children? he is richard abright and making of a scientist what does this mean here we'll come to know that richard abright bachpan mein kaise the unka childhood kaisa tha कैसे धीरे धीरे वो बड़े हुए और एक scientist बन गए बचपन से ही उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने ही हैज़ रिसिव्ड द सल स्कॉलर अवॉर्ड एंड द शेयरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इट वॉज़ हेज़ फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हेम बचपन में ही ही वॉज़ अट्रैक्टेड टू बटरफ्लाइज और इसी फैसिनेशन को इसी अट्रैक्शन को इसी क्यूरियोसिटी को वो आगे आगे पढ़ते गए और इसकी वजह से उन्होंने बड़े होकर बहुत ही बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की और वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बने तो हमें बैकग्राउंड पता चल गई है रिचर्ड एब्राइट की क्या पता पड़ी चिल्ड्रेन हमें ये पता पड़ा कि वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि बचपन से ही उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी और कैसे कैसे वो अपनी क्वालिटीज़ को बेटर करते गए इम्प्रूव करते गए और बड़े होकर एक इतने अच्छे साइंटिस्ट बने नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स बिगिन विद द चैप्टर At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So, Richard Abright was 22 years old when he developed this theory. What is the theory? The theory is how the cells work. Cells कैसे काम करते हैं सेल क्या होता है चिल्ड्रेन आप सब ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज अ सेल तो ये जो थ्योरी है वो किसने लॉन्च की थी रिचर्ड एब्राइट ने एंड ही वॉज़ ओनली ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड ही वॉज ऑल्सो अ फॉमस स्काउट ऑफ द ईयर जब रिचर्ड एब्राइट स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो एन सी सी और स्काउट्स की भी ट्रेनिंग लिया करते थे चिल्ड्रेन और उन्हें स्काउट्स ऑफ द ईयर का एवॉर्ड भी मिला था आगे पढ़ते हैं रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस तो रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज के जो रूममेट थे इन दोनों लड़कों ने मिलकर ये थ्योरी डेवलप की और एक आर्टिकल लिखा जो कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस बुक में पब्लिश हुआ चिल्ड्रन इट वाज़ द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट व्हाट इज जर्नल हियर इट मींस पत्रिका तो चिल्ड्रन अब क्या हुआ ये जो जर्नल है प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है और इस जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट का वर्क पहली बार पब्लिश हुआ था तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा थ्यूरी डेवलप किया जिसे कि इतने इंपॉर्टेंट जर्नल ने पब्लिश किया क्लियर

अचीवमेंट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में यानी कि पंद्रह साल की उम्र में आप एक होम रन स्कोर करें जब आप पहली बार बैटिंग करें किसी स्पोर्ट्स क्लब के मैच में होम रन कब हिट होता है जब आप बेसबॉल खेलते हैं बेसबॉल एक गेम है इट्स लाइक क्रिकेट इट ऑल्सो हैज़ अ बॉल एंड अ बैट बट थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स होते हैं इस गेम को खेलने के लिए होम रन का क्या मतलब होता है जैसे कि हम क्रिकेट में सिक्सर मारते हैं चिल्ड्रन, ऐसे ही बेस बॉल के मैच में होम रन माना जाता है तो अगर कोई नया प्लेयर है जो पहली बार बैटिंग कर रहा है और वो सिर्फ पंद्रह साल की उम्र का है और वो एक होम रन हिट कर दे वो कितना खुश हो जाता है ऐसी ही फीलिंग हुई थी रिचर्ड एब्राइट और उनके रूममेट को जब उनका ये थ्योरी इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज़ द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्ट विद बटरफ्लाइज रिचर्ड एब्राइट ने बाद में बहुत सारी अचीवमेंट्स की साइंस में और ये जो जर्नल में पब्लिकेशन थी ये उनकी अचीवमेंट की पहली सीढ़ी थी और उनकी ये जो अचीवमेंट है या उनकी ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है ये कैसे शुरू हुई थी बटरफ्लाई से उन्हें बचपन से ही बटरफ्लाईज की तरफ अट्रैक्शन था यानी कि बचपन से ही वो बटरफ्लाईज की तरफ आकर्षित होते गए और उन्हें बटरफ्लाईज इकट्ठा करने का बहुत शौक था एंड ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया देर वॉज मच आई कुड डू देर से अब रिचर्ड एब्राइट अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे यानी इकलौते संतान थे वो कहाँ पर पैदा बड़े हुए थे पेंसिल्वेनिया में एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग पेंसिल्वेनिया चिल्ड्रेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है और इसी पेंसिलवेनिया में एक शहर है जिसे रीडिंग के नाम से जाना जाता है यहीं पर रिचर्ड एब्राइट पैदा हुए और उनका लालन पालन हुआ उसके बाद रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि इस शहर में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था यानी कि इस शहर में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था जिसकी उन्हें जरूरत थी I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, that is collect things. अब रिचर्ड एब्राइट वहाँ पर बिल्कुल अकेले थे इसलिए वो कहते हैं कि जैसे कि मैं वहाँ पर अकेला था मैं वहाँ पर फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था लेकिन अकेला होते हुए वे कुछ और काम कर सकते थे और वो क्या था चिल्ड्रेन वो था चीज़ें कलेक्ट करना जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चों के अलग अलग शौक़ होते हैं जैसे कि कुछ बच्चों को कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक़ होता है तो वहीं कुछ दूसरे बच्चों को स्टेम्स कलेक्ट करने का शौक होता है तो ऐसे ही रिचर्ड अब्राइट भी अपने फ्री टाइम में अलग अलग चीजें कलेक्ट किया करते थे। चीजेंगार्टन एब्राइट कलेक्टेड द सेम डिटर्मिनेशन दैट अब रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही डिटरमाइंड और बहुत ही हार्ड वर्किंग कलेक्टर्स थे बचपन से ही जब से वे किंडर में थे यानी कि केजी में पढ़ते थे वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लग गए थे अब इतनी छोटी उम्र से ही उनमें बहुत डिटर्मिनेशन थी जो उनके बड़े होने तक हर एक्टिविटीज़ में दिखाई देती थी यानी कि बचपन से ही वो जो भी काम करते थे उसमें एकदम लीन हो जाते थे और उनकी जो ये क्वालिटीज़ थी ये क्वालिटीज़ घटी नहीं चिल बड़े होने के साथ साथ उनमें ये जो डिटर्मिनेशन की क्वालिटी है ये जो क्यूरियोसिटी की क्वालिटी है वो बड़े होने तक उनमें ये जो क्वालिटी है वो बराबर बढ़ती गई और उनके काम करने के ढंग में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रिचर्ड एब्राइट बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे और बहुत ही अच्छे से बड़े ही शिद्दत के साथ बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे डी एन ए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल दस डी एन ए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ ब्लू प्रिंट मीन्स अ डिजाइन प्लान और अ टेक्निकल ड्राइंग। जैसे आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका डिज़ाइन पेपर पर बनाते हैं उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं रिचर्ड एब्राइट ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो डीएनए होता है यही हैरिडिटी को कंट्रोल करता है यही हमें फीचर्स देते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और उन्होंने ये कहा कि ये जो डीएनए है यही ये आइडेंटिफाई करता है कि जो सेल है उसका फॉर्म और फंक्शन कैसा होगा इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है डीएनए ही ये बताता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है abright and his college roommate james r. wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. together, they later wrote the paper that explained the theory. Ab richard abright, k. college roommate, ka naam hai james r. wong. दोनों ने मिलकर सारी रात ड्राइंग पिक्चर्स बनाए प्लास्टिक्स मॉडल्स बनाए और ये बताया कि ये कैसे हो सकता है और फिर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक पेपर में लिखा सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन जो लोग रिचर्ड एब्राइट को जानते थे चिल्ड्रेन वो हैरान नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की हाईएस्ट ऑनर्स के साथ और वो अपनी क्लास में सेकंड थे उनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 1,510। तो इतने बच्चों में से रिचर्ड एब्राइट को सेकेंड रैंक मिला एब्राइट वेंट ऑन टू तो बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू तो टेस्ट हिज थ्योरी। रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट रिसर्चर बने और वहाँ पर भी वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप्स टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिसीजेज अगर रिचर्ड एब्राइट की ये जो थ्योरी है ये सही हो जाती तो वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ सकते थे और इसीलिए उनकी ये जो स्टडी है इसे बहुत इम्पोर्टेंट माना गया आई was हिज़ only ओनली until अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम अब जब तक रिचर्ड एब्राइट स्कूल नहीं गए थे तो उनकी ओनली कंपेनियन कौन थी वो थी उनकी मदर उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगे तो उनकी मदर उनके फ्रेंड्स को भी अपने घर ले आया करती थी बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर रिचि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिचि वॉज इन थर्ड ग्रेड तो ये किसने कहा चिल्ड्रेन ये भी रिचर्ड एब्राइट के मदर की ही स्टेटमेंट है वो कहती हैं कि रात के वक्त रिचर्ड और वो दोनों ही घर में हुआ करते थे और आपस में ही अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे नॉलेज गेन करते थे फिर वो रिचर्ड को रिची एड्रेस कर रही हैं दिस कुड भी हिज़ निक नेम वो कहती हैं कि वो मेरी ज़िंदगी बन गया था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी जब वो थर्ड ग्रेड में था और उसके बाद से वो और उनकी मदर एक दूसरे के कंपेनियन बन गए थे शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल इफ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम नॉट फिजिकल बट लर्निंग थिंग्स हिज मदर सेड ही लाइक इट ही वॉन्टेड टू लर्न फर्दर उनकी मदर कहती हैं कि हर शाम वो दोनों डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा करते थे और अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे क्योंकि उनकी मदर कहती हैं कि अगर रिचर्ड एब्राइट के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो वो उन्हें करने के लिए काम देती थी ऐसा काम नहीं जो कि फिजिकल लेबर से इन्वॉल्व है जैसे कि कपड़े धोना बर्तन धोना या फिर घर की सफ़ाई करना आदि बट ऐसा काम जिसमें कि उन्हें अलग अलग चीज़ें लर्न करनी होती थी वो कहती हैं कि रिचर्ड एब्राइट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था अलग अलग चीज़ें याद करना भी बहुत अच्छा लगता था इसलिए वो उन्हें अलग अलग टास्क देती हैं चीज़ें याद करने के लिए एंड लर्न ही डिड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सेड सो रिचर्ड एब्राइट की एक जो मेन क्वालिटी है वो क्या है चिल्ड्रेन वो है उन्हें चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद था चीज़ें याद करना बहुत पसंद था और बचपन से ही वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे उनके स्कूल में उनके टॉप ग्रेड्स आते थे यानी कि अच्छे नंबर आते थे बाकी सब चीज़ों में वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह थे लेकिन पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेट ए ब्राइट बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन पहले हमने पढ़ा था कि जब वो किंडर गार्डन में थे वो बटरफ्लाइज़ कलेक्ट करते थे और जब तक वो क्लास टू में पहुँचे चिल्ड्रेन उन्होंने बटरफ्लाईज़ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं टोटल ट्वेंटी फाइव स्पीशीज़ जो कि उनके घर के आसपास के एरिया में मौजूद थी उन्हें कलेक्ट कर लिया था यहाँ पर आपकी बुक में भी लिस्ट दी गई है उन स्पीशीज़ की एंड सब स्पीशीज की जो कि रिचर्ड एब्राइड के घर के आसपास एरिया में अवेलेबल थी जिन्हें कि उन्होंने कलेक्ट किया था दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड बट देन माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि जब उन्होंने क्लास टू में बटरफ्लाइज की ट्वेंटी फाइव अलग अलग स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली थी तो हो सकता है उसके बाद बटरफ्लाइज़ के साथ उनका जो रिलेशन था इंटरेक्शन था वो ख़त्म हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ चिल्ड्रेन क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें एक बुक ख़रीद करके दी जिसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन यहाँ पर मोनार्क टेन बटरफ्लाई की एक स्पीशीज़ है तो उनकी मदर ने रिचर्ड के इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए उन्हें बटरफ्लाई से रिलेटेड एक चिल्ड्रन बुक ला करके दी डैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर अब ये जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन इस बुक में ये बताया गया था कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये सेंट्रल अमेरिका जाती है माइग्रेट करके और ये जो बुक है इसकी वजह से रिचर्ड एब्राइट की क्यूरोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई और अब वो जो बटरफ्लाई जिसे वे सिर्फ कलेक्ट किया करते थे चिल्ड्रेन अब वो उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहते थे एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस they were asked to tag butterflies for research by dr frederick a ucard of the university of toronto canada ab canada mein ek shahar hai children jiska naam hai toronto वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है University of Toronto। वहाँ पर एक रिसर्च स्कॉलर थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए एखाट उन्होंने बुक के एंड में ये लिखा हुआ था कि रीडर्स अलग अलग बटरफ्लाईज़ को टैग कर सकते हैं ताकि वो ये चीज़ स्टडी कर सके कि बटरफ्लाइज़ कहाँ से कहाँ माइग्रेट करके जाती हैं और क्यों जाती हैं? यहां पर टैग का मतलब है छोटी सी स्टिकर्स लगा देना बटरफ्लाइज के विंग्स पर ताकि उसे पह, पहचाना जा सके क्लियर चिल्ड्रन। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर यूकार्ड एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैक्स टू द विंगस ऑफ मुनाक्स एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज़ आज टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूखाट अब एब्राइट की मदर ने भी डॉक्टर यूखाट को ये लिखा कि रिचर्ड भी ऐसे बटरफ्लाइज़ को टैग करना चाहता है और उन्होंने भी अलग अलग मुनाक बटरफ्लाईज़ पर टैग लगाने शुरू कर दिए हैं और उस बुक में ये भी लिखा गया था कि जिसे भी ये टैग बटरफ्लाई मिलती है वो उस टैग को डॉक्टर यू कार्ट को भेज दे द बटरफ्लाईज़ कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी अब एक पर्टिकुलर सीज़न है जब बटरफ्लाईज ज़्यादा अबेंडेंट होती हैं और तभी बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जाता है उसे बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहा जाता है चिल्ड्रन यहाँ पे ये सिक्स वीक्स तक चलता है और ये लेट समर में शुरू होता है फर्दर राइटर ये कहते हैं कि अगर एक एक करके कोई बटरफ्लाइज़ को चेस करेगा यानी पीछे पीछे दौड़ेगा पकड़ने के लिए तो वो ज़्यादा बटरफ्लाइज़ कैच नहीं कर पाएगा और फिर यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि कितनी बटरफ्लाइज को इस सिक्स वीक्स के सीजन में कलेक्ट किया गया है यू कैन सी द टेबल ऑन द स्क्रीन क्लियर चिल्ड्रेन यहाँ पर इस टेबल में जो आपके स्क्रीन पर है पता पड़ता है कि रिचर्ड एब्राइट ने कितनी बटरफ्लाइज़ को इन सिक्स वीक्स के सीजन में कलेक्ट किया तो चिल्ड्रेन इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट ने इन हफ्तों के सीजन में कितनी स्पीशीज की कौन कौन सी बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट किया आगे पढ़ते हैं सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देअर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपर टू एडल्ट बटरफ्लाई टू रेज मीन्स उन्हें बड़ा करना फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज इज अ कलेक्टिव नाउन हियर। रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे फिर वो फीमेल मोनार्क जो एग्स ले करती थी वो उन्हें अपनी घर की बेसमेंट में बड़ा करते थे रेस करते थे और उसके सारे लाइफ साइकिल को स्टडी करते थे वो वॉच करते थे कि कैसे वो एग से कैटरपिलर बनता है फिर उसमें से कैसे प्यूपा डेवलप होता है और फाइनली कैसे वो बटरफ्लाई बनती है इस पूरे साइकिल को रिचर्ड बड़े गौर से स्टडी करते हैं देन ही वुड टैच द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो फॉर सेवरल यर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनाक्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब ये बटरफ्लाई डेवलप हो जाती थी तो उसके विंग्स के ऊपर रिचर्ड एब्राइट एक टैग लगा देते थे और उसे उड़ने के लिए छोड़ देते थे काफी सालों तक रिचर्ड एब्राइट ने यही किया वो मोनाक बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को स्टडी करते थे इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज इट्स टीडीएस एंड देर इज नॉट मच फीडबैक ए ब्राइट सेट हियर टीडीएस मीन्स अ टायरिंग जॉब रिचर्ड कहते हैं कि बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने बटरफ्लाईज पर टैग लगाना बंद कर दिया उन्हें ये काम बहुत टायरिंग लगने लगा क्योंकि इतना करने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ट ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट तो रिचर्ड कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाइज पर टैग लगाए थे उनमें से सिर्फ दो बटरफ्लाइज को वापिस पकड़ा गया था और वो भी उनके घर के पास से मिली थी सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स की दूरी पर तो इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली ऐसा नहीं पता पड़ा कि वो माइग्रेट करके कहीं और जाती भी हैं इसलिए रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट खत्म हो गया चिल्ड्रेन और उन्होंने टैगिंग करना बंद कर दिया देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट हियर काउंटी मीन्स रीजन किसी पर्टिकुलर एरिया में और अब जब वो सेवेंथ क्लास में थे उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया चिल्ड्रेन और उसमें वो हार गए तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि असली साइंस क्या है इट वॉज रियली अ अड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग ए ब्राइट सेट तो यहाँ पर आप सब ये समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर कितना इम्पोर्टेंट है जब रिचर्ड एब्राइट ने इस फेयर में हिस्सा लिया और उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं जीता तो वो बहुत सैड फील कर रहे थे क्योंकि उनके आसपास के सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जीता था हिज एंट्री वॉर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप ही रियलाइज द विनर्स है रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले अब यहाँ पर रिचर्ड की रिचर्ड का एंट्री क्या था उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था उन्होंने चिल्ड्रेन अलग अलग स्लाइड्स बनाई थी जिन पर उन्होंने फ्रॉग की बॉडीज के टिश्यूज डिस्प्ले किए थे और लोग उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर से देख सकते थे कि फ्रॉक के जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो दिखने में कैसे हैं फेयर के बाद रिचर्ड ने ये रियलाइज़ किया कि जितनी भी विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना कि सिर्फ कुछ डिस्प्ले किया था उन्होंने सच में लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और तब रिचर्ड को ये पता लगा कि असली साइंस सिर्फ चीजें दिखाने में नहीं है बल्कि उन्हें वहाँ पर परफॉर्म करने में है उन्हें ये सारी रियलाइजेशन इस फेयर में हुई ऑलरेडी द कम्पिटेटिव स्पिरिट that drives richard abright was appearing i knew that for the next years fair i would have to do a real experiment he said or jab richard abright हार गए तो उनकी जो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है वो जाग उठी चिल्ड्रेन और उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगले साल के फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एक सच्चा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा और अपना नतीजा उनके सामने रखना पड़ेगा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द सेवरल ईयर्स अब रिचर्ड एब्राइट का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था चिल्ड्रेन वो था इंसेक्ट के ऊपर जो उन्होंने काम किया था बटरफ्लाइज को जो इन्होंने इतने सालों से स्टडीज़ किया था और इसी काम में उनकी परफेक्शन थी सो ही रोड टू डॉक्टर यू फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अटैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स तो उन्होंने क्या किया उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को एक मेल लिखा और उनसे आइडियाज़ मांगे कि वो किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसेक्ट से रिलेटेड और डॉक्टर यूकार्ट ने स्टैक ऑफ सजेशन एंड एक्सपेरिमेंट भेजे यहाँ पर स्टैक्स मीन्स पाइल्स यानी कि बहुत सारे तो जवाब में डॉक्टर युकाड ने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज दिए दो स्केप्ड एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स और जब ये जो सजेशंस और आइडियाज़ आए थे ये इतने सारे थे एब्राइट ने इन सब आइडियाज़ को स्टडी किया इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स किए और वो अपने हाई स्कूल में बहुत बिजी रहे चिल्ड्रेन और इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने अलग अलग कंपिटिशन्स में अलग अलग फेयर्स में परफॉर्म किया तो उनकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी प्राइजेस जीत कर आए तो चिल्ड्रेन इससे हमें क्या पता पड़ता है हमें ये पता पड़ता है कि रिचर्ड एब्राइट ने बहुत मेहनत की इन फेयर्स में ताकि वो प्राइजेस जीत सके फॉर इज 8th grade project, Abright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarchs' caterpillars every few years. Abright thought the disease might be carried by a beetle. And Abright 8th class mein the, तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें उनका जो टॉपिक था वो ये था कि मोनार कैटरपिलर्स हर कुछ सालों बाद एक वायरल डिसीज की वजह से मर जाते हैं उस वायरल डिसीज़ का कारण क्या है एब्राइट ने सोचा कि उस डिसीज का कारण बीटल्स हो सकते हैं बीटल्स आर आल्सो इंसेक्ट्स चिल्ड्रेन तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बटरफ्लाइज बीटल्स के इन्फेक्टेड बीटल से इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो इनके कैटरपिलर्स मर जाते हैं ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स आई डिडेंट गेट एनी रिजल्ट ही सेड बट आई वेंट अ एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन अब एब्राइट ने क्या किया उन्होंने बटरफ्लाइज के कैटरपिलर को बीटल्स के प्रेजेंस में रेस किया यानी कि बड़ा किया और फिर उन्होंने नोटिस किया कि कैटरपिलर्स को वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ यानी कि बीटल्स की मौजूदगी से उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो एब्राइट ने यही एक्सपेरिमेंट अपने फेयर में भी प्रेजेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्हें प्राइस भी मिले तो ऑल दो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये तो नहीं आइडेंटिफाई किया कि क्या रीज़न था कैटरपिलर्स के मरने का लेकिन उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि भीटल्स की, की वजह से कैटरपिलर्स नहीं मरते क्लियर चिल्ड्रन द नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द दैट द्यूरी बटरफ्लाई कॉपी मोनाक्स द द्यूरी वॉज दैट वाइसोराइज लुक लाइक मोनाक्स बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स रिचर्ड एब्राइट के नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था चिल्ड्रेन उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट करना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं और ऐसा वो क्यों करती हैं क्योंकि वाइसराय बटरफ्लाइज को बर्ड्स खाती हैं और मोनार्क बटरफ्लाइज़ को बर्ड्स नहीं खाती तो बर्ड्स से बचने के लिए वाइसोराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती हैं और इसी चीज़ को रिचर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ करने की कोशिश की वाइसोराइज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बी अ बर्ड्स डिनर रिचर्ड ए ब्राइट को अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करना था कि वाइसराय बटरफ्लाइज को बर्ड्स खाती हैं क्योंकि उन्हें वो टेस्टी लगते हैं इसलिए बर्ड्स को डिनर बनने से अपने आप को बचाने के लिए वाइसराय क्या करती हैं वो मोनाउस की कॉपी करती हैं ताकि बर्ड्स को ये लगे कि वो बटरफ्लाइज नहीं है वो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं और वो उन्हें ना खाएं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड हियर स्टार्लिंग इज अ कॉमन यूरोपियन बर्ड विद ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लामेज विच ने बिल्डिंग एंड इज अ गुड मेमिक यानि कि वो अच्छे से चीज़ों को कॉपी करती है अब्राइट का जो प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने ये प्रूव करना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाईज को खाती हैं या नहीं खाती हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ये देखा कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो आम बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती है इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट अ ब्राइट सेट लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइस प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलोजी डिविजन एंड थर्ड ओवर ऑल इन द काउंटी साइंस फेयर अब एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में यह शो किया कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो सारे के सारे मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाती है लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में यह शो किया कि वाइसराइज मोनार्क्स की कॉपी करती है अब रिचर्ड एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ये बताया कि वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं इस प्रोजेक्ट को जूलोजी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला चिल्ड्रन और ओवरऑल सारे के सारे साइंस फेयर में थर्ड रैंक मिला क्लियर इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट

अलग अलग इंसेक्ट्स हार्मोन की डिस्कवरी की और उनकी इसी डिस्कवरी की वजह से उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की सेल्स के बारे में द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल वॉट इज़ द पर्पज ऑफ द ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वॉट इज अ मोनार्क प्यूपा हमने अभी पढ़ा था बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल के फोर स्टेजेस होते हैं पहले वो एक्स ले करती हैं फिर वो एक्स डेवलप होकर कैटापिल बनता है और फिर कैटापिल्ला प्यूपा बनता है और फिर फाइनली बटरफ्लाई बनती है तो रिचर्ड एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में ये बताने की कोशिश की कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर जो टाइनी गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं और उनका क्या पर्पस है एवरी वन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल एब्राइट सेड बट डॉक्टर यू डिड इन बिलीव इट एब्राइट कहते हैं कि सब लोग यही सोचते थे कि ये जो स्पॉट्स हैं ये ऑर्नामेंटल हैं सजावट के लिए है ये डेकोरेशन के लिए है लेकिन इनका कोई और पर्पस नहीं है लेकिन डॉक्टर यूकार्ड इस चीज में बिलीव नहीं करते थे उनका मानना था कि इनका बटरफ्लाई के डेवलपमेंट से कुछ रिलेशन है टू फाइंड द आंसर ए ब्राइट एंड दर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस डैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रड्यूसिंग अ हारमोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट एब्राइट अपने एक और दोस्त के साथ मिल गए उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसकी मदद से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि इस प्यूपा के ऊपर ये जो गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं ये बटरफ्लाई में एक हार्मोन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होती है और बड़ी होती हैं दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जुलॉजी अब एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था चिल्ड्रेन और इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली और वहाँ पर जुलॉजी कैटेगरी में उन्होंने थर्ड प्लेस जीती ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलोजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और जब रिचर्ड एब्राइट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिल गया तो साथ ही साथ उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलोजी लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला हियर एंटोमोलोजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज लैबोरेट्री थी जहाँ पर बहुत सारे इक्ुपमेंट्स अवेलेबल थे रिसर्च के लिए एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटीन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार प्यूपा अब रिचर्ड एब्राइट को अपनी क्यूरोसिटी फुलफिल करने का मौका मिल गया चिल्ड्रेन और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मोनार्क बटरफ्लाइज के प्यूपा के ऊपर ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम एनेदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर इस साल रिचर्ड एब्राइट के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज मिला और एक बार फिर से उन्हें गर्मियों की छुट्टी में इस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला इन्हें सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनाक्स विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ देवर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स नाउ वॉट इज अ कल्चर कल्चर मीन्स आप एक मेंटेन टेम्परेचर में किसी चीज़ को डेवलप या ग्रो करते हैं और अब अपने सीनियर ईयर में हाई स्कूल के फाइनल ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उन्हें एक कल्चर में यानी एक रेगुलेटेड एरिया में टेम्परेचर में बड़ा किया और ये बताया कि उनके जो सेल्स हैं वो तभी ग्रो करेंगे तभी बढ़ेंगे जब उन्हें पर्टिकुलर हार्मोन मिलेगा जो कि ये गोल स्पॉट्स रिलीज़ करते हैं That project won first place for Zulozzi at the International Fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the Laboratory of the US Department of Agriculture. Richard K. is project ke liye Unhe Zulozzi category, mein first prize mila. एट द इंटरनेशनल फेयर इसके बाद जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में और काम किया और साथ ही साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी रिसर्च वर्क किया आगे देखते हैं द फॉलोइंग समा आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हारवर्ड यूनिवर्सिटी ऐब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हारमोन फ्राम द गोल्ड स्पॉट्स अब रिचर्ड ऐब्राइट को हारवर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और फ्रेशमैन यानि कि फर्स्ट ईयर के बाद जब उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ आई तो वो एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर के लैब में गए और इन गोल्ड स्पॉट्स का और रिसर्च किया यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर हियर सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेल मेड तो रिचर्ड एब्राइट ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब के जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी मदद से ये आइडेंटिफाई किया कि इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट कॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्स रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। डेढ़ साल के बाद जब एब्राइट जूनियर ईयर में थे तब उन्हें ये आइडिया मिला कि सेल लाइफ की कोई थ्योरी है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हर ऑर्गेनिज़्म के अंदर एक सेल है और ये चीज़ उन्हें कब पता पड़ी जब वो इस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज़ देख रहे थे तब उन्होंने रियलाइज किया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं वैन ही सॉ दोज फोटोज एब्राइड डिड एंड शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट हियर यूरेका मीन्स अ क्राई ऑफ ट्राइम एट अ डिस्कवरी ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू आर्कमेडीज आर्कमेडीज चिल्ड्रेन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उन्होंने जब भी विजय पाई तो वो यूरेका बोलते थे यानी कि आप अपनी विक्ट्री को अनाउंस कर रहे हैं जब रिचर्ड एब्राइट ने ये एक्सरे फोटोज़ देखी तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया समझ में आया ना चिल्ड्रेन यानी कि जब रिचर्ड एब्राइट ने ये एक्सरे फोटोज़ देखी तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि आर्कमेडीज ने किया था बट बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोग्राफ्स गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ़ बायोलॉजीज पजल्स हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए जब रिचर्ड अपराइट ने ये एक्सरे फोटोग्राफ्स को देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्हें इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में तो पता चला ही है लेकिन साथ ही साथ बायोलॉजी के बहुत ही बड़ी उलझन उन्होंने सुलझा दी है उलझन क्या थी वो ये थी कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है डीएनए क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिन एसिड हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वो ही ये बता सकता है कि ये जो सेल है वो किस ऑर्गेनिज्म का सेल है और जब एब्राइट इन एक्सरे फोटोग्राफ्स को देख रहे थे चिल्ड्रेन तब उन्हें ये पता चला कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है क्लियर ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉजल्स एंड कॉइंस ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट अब रिचर्ड एब्राइट और क्या क्या चीजें कलेक्ट किया करते थे वे पत्थर कलेक्ट किया करते थे फॉसल्स यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर थे यानी कि वो टेलीस्कोप द्वारा रात भर तारों को भी देखा करते थे क्लियर चिल्ड्रेन फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड

और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग और उनकी मदर भी उनकी लर्निंग का जो इंटरेस्ट था उनका जो शौक़ था उसे हमेशा बढ़ावा ही दिया करती थी तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमें रिचर्ड एब्राइट की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पता चलती हैं जिनकी मदद से बड़े होकर वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बने She took हिम ऑन ट्रिप्स बॉट हिम टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटिंग materials एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज अब उनकी मदर उनके ऊपर बहुत हार्ड वर्क करती थी बड़े मेहनत से उनकी हर फरमाइश को पूरा करती थी उन्हें पता था कि रिचर्ड एब्राइट एक क्यूरियस चाइल्ड है इसलिए वे उन्हें ट्रिप्स पर घूमने ले जाया करती थी उन्हें इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देती थी जिसकी मदद से एब्राइट अपनी क्यूरोसिटी को पूरा कर सके वे उन्हें टेलीस्कोप लेके देती थी माइक्रोस्कोप्स लेके देती थी कैमराज लेके देती थी और इन्हें माउंट करने के लिए यानी कि इन सब चीज़ों के लिए जो स्टैंड्स होते हैं जिन पर टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स और कैमरास को माउंड किया जा सके रखा जा सके या खड़ा किया जा सके सब कुछ लाकर उनकी माँ उन्हें दिया करती थी जिनकी सहायता से रिचर्ड एब्राइट अपनी रिसर्च कर सके ठीक है ना चिल्ड्रेन तो यहाँ पर आपने देखा कि रिचर्ड जो एब्राइट है उनकी माँ कितनी बड़ी सपोर्टर रही हैं उनको एक साइंटिस्ट बनाने में तो यहाँ पर हम सब ने ये जाना कि बचपन से ही रिचर्ड एब्राइट को एक ब्राइट माइंड मिला डिटर्मिनेशन मिली क्यूरोसिटी मिली और उसे फुलफिल करने के लिए उन्हें इतनी अच्छी मदर मिली इतनी कॉपरेट मदद मिली जो कि उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड किया करती थी जिनकी मदद से जो रिचर्ड एब्राइट थे वो एक साइंटिस्ट बन सके क्लियर ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्यूरी अबाउट सेल लाइफ तो यहां पर अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट इतने अच्छे इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट कैसे बने उनके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी बचपन से ही उनके अंदर ये क्यूरोसिटी थी कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर गोल्डन कलर के स्पॉट्स का क्या पर्पस है ये क्यूरोसिटी डॉक्टर यूखार्ट ने अपनी बुक द्वारा और ज़्यादा बढ़ा दी इसी क्यूरोसिटी को फॉलो करते करते रिचर्ड एब्राइट ने ये थ्योरी डेवलप कर दी कि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये भी बता दिया कि सेल्स का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे क्यों होता है बिकॉज ऑफ डी एन ए रिचर्ड ऐब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ इन टाइम फॉर अदर इंट्रस्ट बचपन से ही रिचर्ड एब्राइट को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करना शुरू किया था लेकिन वो इतना भी डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो और चीज़ों में इंटरेस्ट ना डेवलप कर सके तो साइंस के अलावा उनके और भी इंटरेस्ट थे एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन हियर कैनोइस्ट इज़ अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनो विच इज़ अ लाइट बोट तो रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही अच्छे डिबेटर थे पब्लिक स्पीकर थे और उन्हें कैनियो चलाना बहुत अच्छे से आता था और वो एक आउटडोर पर्सन भी थे ऑलराउंडर थे रिचर्ड एब्राइट सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि और भी कई सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. Richard Abright को फ़ोटोग्राफी का भी बहुत शौक़ था वो नेचर और साइंटिफिक एक्जिबिट्स की फ़ोटोग्राफी भी करते थे इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लोट ऑफ हेज एनर्जी टूवर्ड्स द डिपेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स अब रिचर्ड एब्राइट पढ़ाई में बहुत अच्छे थे उनके लिए पढ़ाई बहुत ईजी थी चिल्ड्रेन इसी वजह से वो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी लगाते थे उन्हें डिपेटिंग करने का और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स को ज्वाइन करने का बहुत क्रेज़ था और वो ये सब चीज बहुत आसानी से कर लेते थे ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर रिचर्ड ए वीर हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स मिस्टर विरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एब्राइट सेट अब रिचर्ड एब्राइट किसी को एडमायर यानी कि पसंद करते थे वो थे उनके शोशल स्टडीज़ के टीचर रिचर्ड ए वरर एब्राइट कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे वे उन्हें परफेक्ट लगते थे और वे उन्हें बहुत अलग अलग आइडियाज़ दिया करते थे रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर विरर सेट वॉट प्लीज मी वॉज हिया वॉज द पर्सन हु पुट इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज़ रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंट्रस्ट मिस्टर विरर रिचर्ड ब्राइड के लिए कहते हैं कि वो हमेशा हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे वो कहते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि रिचर्ड एब्राइड डिबेट के ऊपर भी मेहनत करते थे और रात को तीन चार घंटे लगकर वे अपना डिबेट का टॉपिक तैयार करते थे और साथ ही साथ बटरफ्लाइज़ पर अपनी रिसर्च भी करते रहते थे और अपनी बाकी इंटरेस्ट को फॉलो करते रहते थे तो वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग थे हर चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे और यही चीज उनकी टीचर को बहुत पसंद थी रिचर्ड वॉज कंपटिटिव मिस्टर विरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस ही एक्सप्लेन रिचर्ड wasn't interested in winning for winnings sake or winning to get a prize mr vira kehte hain ki richard abright mein competitive spirit bhi thi lekin bura buri tarah se nahi thi ऐसा नहीं था कि वो जीतना चाहते थे या फिर वो prize लेना चाहते थे लेकिन वो कम्पीट करते थे ताकि वो एक्सल कर सके ताकि वो अच्छा काम कर सके राधा ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट सो ही इन वॉन्ट प्राइज ही इन वॉन्ट टू बी बेटर देन समवन एल्स बट ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव अपॉन हिमसेल्फ एंड दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू विन एंड वॉन्टेड टू कम्पीट विद others and that is one of the ingredients in the making of a scientist start with the first rate mind add curiosity and mix in the will to win for the right reasons abright has these qualities now which are the three qualities which had made richard abright a good scientist firstly unka mind bahut acha hai he was very intelligent secondly Scientific curiosity and thirdly, the will to win, competitive spirit for the right reasons. All these three things made him such a good scientist. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Abright had never lost his scientific curiosity. तो एक बार जब रिचर्ड एब्राइट ने ये बुक पढ़ी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एस्क्स इस बुक के द्वारा उनके अंदर जो साइंस की क्यूरोसिटी जागी वो कभी भी खत्म नहीं हुई वो उसे फर्दर 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 स्टडी करते गए और इसी साइंटिफिक क्यूरोसिटी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की तो चिल्ड्रेन हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे रिचर्ड एब्राइट एक छोटे से बच्चे से बड़े होकर इतने बड़े इतने महान साइंटिस्ट बने सो वी ऑल मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो